फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा है और ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे बंद करेंगे। अब आप एक सेफ बाउल में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लीजिए। ये देखिए मुझे इस तरह से आपको ये मिल जाएगा वाटर, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है फ्रेंड्स। जब भी आपको लगे कि आप अपने बालों को नेचुरली डाई करना चाहते हैं तो बस आप इस घोल को प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसके अंदर मेहंदी मिला लीजिए और मेहंदी मिला करके अपने बालों पे, जैसे इसमें कॉफ़ी, मेहंदी और कत्था, ब्राउन कत्था ये भी मिला सकते हो। मिला करके फिर आप इसमें एक गाढ़ा सा पेस्ट बना करके अपने बालों पे इसका यूज़ करिए। इसे कम से कम 1 से 2 घंटे आप ज़रूर अपने बालों पे रखिए, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो मेहंदी की जो क्वांटिटी है आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेहंदी डाला है, आप इसमें आंवला भी डाल सकते हो। आंवला डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, और भी ज़्यादा कलर आपको डार्क देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो एक नेचुरल सी डाय है जो मैंने आप लोगों को आज बताई है, आप इसे बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, देखिए, और अपने बालों पे इसे लगा करके इस एप्लीकेशन को अपने बालों को नेचुरली आप काला बना सकते हो। सो फ्रेंड्स कम से कम इसे 45 मिनट्स तो ज़रूर अपने बालों पे इसे रखिए, ताकि बालों में इसकी बहुत ही अच्छी से कलर जो है वो आ जाए आपके बालों में। और इंडिगो और जैसे मैंने आप लोगों को बताया आंवला और मेहंदी, इनके कॉम्बिनेशन से बाल बहुत ही अच्छी तरह से काले हो जाते हैं। एक नेचुरल सी डाय बोल सकते हो आप, बहुत ही अच्छे से आपको ये मिल जाता है। तो इस तरह से हमारी जो रेमेडी है वो रेडी हो जाती है फ्रेंड्स। और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए फ्रेंड्स मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। पूरा ठंडा हो जाए तभी अपने बालों पे, जब ये एकदम, अभी तो ये गर्म है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो आप इसे अपने बालों पे अप्लाई करिएगा।